दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बड़े मस्त तरीके से, मस्त ट्रिक के साथ हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे भाई इससे पहले ना आपको आपबाहु का नियम पता होना चाहिए, आपबाहु महोदय का नियम क्या है ये पता होना चाहिए। तो मैंने मेरे भाई पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था आपबाहु का नियम क्या होता है, और आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिए, और अगर नहीं भी देखना तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बिना आपबाहु के नियम के आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। यहां पर जो है थोड़ा बहुत मैं इसको समझाऊंगा और आसानी से ट्रिक के माध्यम से इनको कंप्लीट करते हैं। मेरे भाई आपको इतना तो पता है कक्षाओं की संख्या कितनी है, सात है। कितनी है? सात। 1 2 3 4 5 6 7 कक्षाएं हैं, ठीक है, सात। अब आपको यह भी पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, कहाँ भराता है, कहाँ रहता है। तो आपको मेरे भाई पता है जो कक्षा होती है उस कक्षा में क्या होता है, कक्षाओं की संख्या कितनी है, सात, है ना। इस कक्षा में क्या होता है, उपकोष होता है। क्या होता है? उपकोष। और उपकोष की संख्या कितनी है, चार है। और उपकोष में होता है कक्षक, और कक्षक में होते हैं इलेक्ट्रॉन। कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, है ना। तो एस के पास टोटल एक कक्षक होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी के पास तीन कक्षक होते हैं, तो एक कक्षक में दो, तो तीन में कितने हो गए, छह, ठीक है। जो आपका डी होता है उसमें पांच कक्षक होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ में सात कक्षक होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। इस सब चीजों को आपको बता दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आते हैं मेरे भाई पहली का, पहली कक्षा में मेरे भाई केवल होता है एस कक्षक, दूसरी कक्षा में एस और पी, तीसरी में एस पी डी होता है, और चौथी में एस पी डी एफ होता है, और पांचवी में एस पी डी एफ भी होता है। यहाँ पर लिखा नहीं गया, बाकी एस पी डी एफ, एस पी डी एफ यहाँ पर सबके पास होंगे, ठीक है। अब मेरे भाई जो आपबाहु का ऊर्जा का क्रम है, आपबाहु का ऊर्जा का क्रम है, आपबाहु महोदय ने बोला था कि आपको जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरना है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो ऊर्जा का इन्होंने बढ़ता क्रम बताया था, और बोला था सबसे पहले आप किसको भरना, बनेस को भरना। किसको भरना, बनेस को। तो सबसे पहले आप बनेस को भरोगे, इसके बाद आप लौट आओगे, आप 2s को भरोगे, इसके बाद आप लौट के आप 2p को भरोगे, फिर 3s स्क्वायर को भरोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 2 6 ये क्या है, तो आपको पता है ना s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, तो आपने इसलिए आपने यहाँ पर दो लिखा है ना। एस पहली कक्षा को या सातवीं कक्षा का दो इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब होंगे, है ना। पी पी में तीन कक्षा को होते हैं इलेक्ट्रॉन कितने, छह, इसलिए आपने लिखा है 2p6, है ना। इस टाइप से आपका डी में 10 होते हैं तो 10 लिखा, एफ में 14 होते हैं, है ना, तो ये 14 लिखा। इस टाइप से मेरे भाई ये ऊर्जा का क्रम है, आपको ये दिख रहा है, इस टाइप से आपको इलेक्ट्रॉनों को भरना है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब जैसे मान के चलो आपको हाइड्रोजन, ये आपको दिया है हाइड्रोजन, क्या दिया है आपको, हाइड्रोजन। अब आपसे बोला गया कि इस हाइड्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, एक, है ना। जो इसका परमाणु क्रमांक है वही क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि परमाणु क्रमांक की इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसका परमाणु क्रमांक एक है, मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन को भरना है। किसको भरना है, एक इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले कौन भराता है, सबसे पहले भराता है आपका 1s, है ना। तो यहाँ पर हमने भर दिया 1s। लेकिन सर s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, दो। कितने भराते हैं, दो। लेकिन इसके पास मेरे भाई क्या दो इलेक्ट्रॉन है, नहीं, इसके पास केवल कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है ना। इसमें भराते दो हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास तो केवल एक ही है, तो आप केवल कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे, एक भरोगे। ये आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है। अब जैसे आपको हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, किसका, हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, ठीक है। तो सबसे पहले कौन भराता है, 1s, तो आपने लिख दिया 1s। अब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो हैं, तो आप दो इलेक्ट्रॉन भर दो, ठीक है। परमाणु क्रमांक दो तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी दो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक मेरे भाई कितना है, तीन है। कितना है, तीन। तो इन तीन इलेक्ट्रॉनों को आपको भरना है, तो सबसे पहले कौन भराएगा, 1s। और 1s में कितने होते हैं अधिकतम, दो, दो से ज्यादा नहीं होते, दो से ज्यादा नहीं होते। यहाँ पर दो लिखा है मतलब दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भरा सकते, ठीक है। चलो तो 1s2, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन भरा गए, दो भरा गए, इसके पास कितने हैं, तीन, हमारे पास एक और बचा, उसको और भरना है। तो 1s के बाद कौन भराता है, 2s, ठीक है। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, दो, लेकिन दो नहीं है तो आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक बचा, क्योंकि दो तो आप भर चुके, एक बचा, तो आप भर दो आप एक इलेक्ट्रॉन,
क्लियर है। चलो इसके बाद यदि आपको क्या करना है, कार्बन का भरना है, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, छह है, कितना है छह। अब ये आपको भरना है, ठीक है। सबसे पहले आप कौन भरोगे, वन एस, तो आप लिख दोगे वन एस। कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं वन एस में, दो। इसके बाद कौन भराता है, टू एस, तो आप लिख दोगे टू एस। कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, दो, ठीक है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरा चुके हैं हम, चार। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, छह। अब बचे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, दो, है ना। तो टू एस के बाद कौन भराता है, टू पी, तो आपको लिखना पड़ेगा टू पी, है ना। कितना लिखना पड़ेगा, 2p। अब p में 6 इलेक्ट्रॉन भराते हैं, लेकिन आपके पास क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, है ना। आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन है आप उतने भरोगे। कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, आपके पास चार तो भर चुके, बचे दो, दो इलेक्ट्रॉन, तो आप p में कितने भरोगे, दो इलेक्ट्रॉन भरोगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़े मेरे भाई। हाँ बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन पे आ जाओ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, आठ है। कितना है, आठ, तो आप आठ इलेक्ट्रॉनों को भरो। वन एस टू, टू एस टू, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, चार, है ना। इसके बाद कौन भराता है, टू पी, है ना। कितने बचे, चार। कितने बचे, चार और बचे, क्योंकि पी में तो छह भरा जाते हैं। हमारे पास कितने बचे, चार, तो पी में आप कितने भर दोगे, चार। क्लियर हुआ। इसके बाद आपको क्या करना है, सोडियम को भरना है, ठीक है। कितना सोडियम, सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, सोडियम के पास परमाणु क्रमांक 11 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगी। इन 11 इलेक्ट्रॉनों को भरो, तो ठीक है। पहले कौन भराएगा, वन एस, तो आप लिख दोगे वन एस टू। इसके बाद कौन भराएगा, टू एस, तो आप लिख दोगे टू एस टू। इसके बाद कौन भराएगा, टू पी, और पी में कितने आते हैं, छह, तो लिख दोगे टू पी सिक्स। अभी तक आप कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हो, इसके पास कितने हैं, 11, तो आप दो, चार और छह, 10। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो टू पी के बाद कौन भराएगा, 3s, और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो। बट आपने पास दो नहीं बचे, अपन 10 भर चुके हैं, अपने पास एक बचा है, तो आप इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे, s, सब एक बचोगे, एक भरोगे। समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, है ना। इन 19 इलेक्ट्रॉन्स को मेरे भाई आपको भरना है ना। 19 इलेक्ट्रॉनों को आपको भरना है, ठीक है। आपको क्लियर तो दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, है ना। तो इसका 19 है ना, तो सबसे पहले 1s, तो भर दो आप 1s2। इसके बाद 2s2, है ना। इसके बाद आपका भराता है 2p6। इसके बाद कौन भराता है आपका, 3s2। कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके, 10 और 2 12। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 7, है ना। तो 3s के बाद कौन भराता है, 3p, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, 6, तो 3p6। कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको एक इलेक्ट्रॉन और भरना है, ठीक है। तो 3p के बाद कौन भराता है मेरे भाई, 4 भराता है, ठीक है। तो लिख दो आप 4s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, क्योंकि आपके पास 18 तो भराएगा, एक ही बचा ना, दो भराते हैं, बट आप तो एक ही भरोगे, क्योंकि आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ठीक है, ये 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मेरे भाई इस टाइप से ना हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु का। आपको ये क्रम दिया है, आप क्रम अपने हिसाब से नोट कीजिए, और ये जो क्रम है आबाहू महोदय ने दिया था कि आपको इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, और यदि आप एक क्रम इलेक्ट्रॉन का नहीं भरोगे तो आप में डंडे घलेंगे। क्या घलेंगे, डंडे, समझ गए ना। हाँ, तो आपको इस क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरना है, और ये क्रम कहाँ से आया, इधर से आया, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। हाँ, ये आपको इस टाइप से यहाँ से आपका ये क्रम आया हुआ है, क्लियर है, ठीक है। पहले 1s लौट जाओ, फिर 2s को भरो, फिर लौट जाओ, फिर 2p को भरो, फिर लौट जाओ 3s को, है ना। फिर लौट के 3p को भरना है, 4s को लौट के, 3d को, है ना, 4p को, है ना, 5s को, फिर इधर से आके इधर, है ना। ऐसे आपका एक क्रम चलता है, क्लियर, है ना। तो इस टाइप से मेरे भाई आप किसी का भी कर सकते हो, परमाणु क्रमांक हो कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे भाई आपको मैं आयन वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बता रहा हूँ, ठीक है, आयन वाले, ठीक है। चलो इनको हटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। हाँ, तो मेरे भाई आपको क्या करता हूँ, एक एक सेकंड मैं जिंक का और बता दे रहा हूँ। जिंक का परमाणु क्रमांक मेरे भाई 30 होता है। इन 30 इलेक्ट्रॉनों को हमको भरना है, ठीक है। 30 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको भरना है। सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन, 30 है ना। अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन भरा चुके, दो, चार, छः, 10, दो, 12 और छः, 18, है ना। 18 और 2 20, 20 इलेक्ट्रॉन भरा चुके, हमें कितने भरना है, 10। तो 4s के पास कितना आएगा, 4s के बाद आता है 3d, ठीक है। तो भर देंगे 3d। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 20 तो भरा चुके, 10 और बचे, तो d में कितने भर दो आप, 10, 10 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम आयनों पे पहुंचते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई यदि हमारे पास लिखा है Al3+, Al लिखा है 3+, समझ गए ना। अब Al3+ का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है,
ठीक है। तो मेरे भाई आप इतना तो जानते ही हो कि प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान करना, इलेक्ट्रॉन का दान करना। और जो माइनस होता है, इस माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। ये चीज तो आप जानते हो, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दान करना और माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। क्लियर हुआ? अब जैसे मेरे भाई इस पर एएल पर लिखा है 3+, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ मेरे भाई इतना है कि जो एएल है उसने 3 इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया। जब 3 इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया, एएल पर परमाणु क्रमांक होता है 13, कितना होता है 13, 13 मतलब इसके पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 13 इलेक्ट्रॉनों में 3+ लिखा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों का कर दिया इसने दान, 3 इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया, 13 में से 3 घटा दो कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब आपको क्या करना है, 10 इलेक्ट्रॉनों को ना भरना है, 10 इलेक्ट्रॉनों को भरना है ना। तो 10 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, तो भरो सबसे पहले 1s2, ठीक है, इसके बाद 2s2, इसके बाद कौन भराता है, 2p6, 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन भरा गए, 10, 2, 4 और 6, 10, समझे, ऐसे आपको भरना है, ठीक है। जैसे जैसे आपका लिखा है Mg, सॉरी, और दूसरा बनाता हूँ, जैसे लिखा है Ca2+, Ca2+, Ca का परमाणु क्रमांक होता है 20। अब इस पर 2+ लगा है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, दान कर दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, तो 20 में से 2 गए कितने बचे, 18, मतलब आपको अब 18 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 के बाद कौन भराता है, 3s, 3s2, और फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10, 2, 12, 6 और बचे हैं ना, क्योंकि 18 ही भरने हैं, 20 तो हैं लेकिन 2 दान कर दिया 18। तो अब 3s के बाद कौन भराता है, 3p, ठीक है, कितने भरने हैं, 6, तो ये 12, 6, 18 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से आपका लिखा है Fe3+, अब Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26, कितना होता है मेरे भाई, 26 होता है। अब 26, 3+ लगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिए, 26 में से 3 जब दान कर दिए तो कितने बचे, 23 बचे, मतलब आपको 23 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, ठीक है। भरें तो देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 3p6 कितने इलेक्ट्रॉन आप भरा चुके हैं, आपके 18 इलेक्ट्रॉन भरा चुके हैं। और 3p6 के बाद कौन आएगा, 4s, तो 18 और 2 20, कितने इलेक्ट्रॉन भरा चुके, 20, आपको भरने कितने इलेक्ट्रॉन है, 23 है ना। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन और बचे हैं मेरे भाई, आपके पास बचे हैं 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 4s के बाद कौन भराता है, 3d, तो आप लिख देंगे 3d, कितना, 3d, 3 बचे ना आपके पास, इसमें 10 भराते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पास है नहीं ना 10, अपने पास कितने हैं, 3, तो आप 3 भर, समझ गए ना, ऐसे करना है, ठीक है। अब माइनस वाले देख लेते हैं, जैसे मान के चलो मेरे भाई जो आपका नाइट्रोजन है, क्या है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर लिखा है 3-, क्या लिखा है, 3-। अब नाइट्रोजन पर 3- लिखा है मेरे भाई, इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 7, 3- लगा है, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना, ग्रहण करना। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, 3- लगा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 3 इसने ग्रहण कर लिए, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10, मतलब आपके पास जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो 1s2, 2s2 और 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके, समझ में आया, ठीक है। अब जैसे मान के चलो लिखा है आपका ये कार, चलो दूसरा बनाते हैं, लिखा है आपका S2-, S2-। अब S का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे भाई, S का परमाणु क्रमांक होता है 16। अब 16 में से -2 लगा है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो 16 और 2 कितना हो गया, 18। अब आपको 18 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ठीक है। तो मेरे भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन भरा चुके हैं, मैंने इसी क्रम में भरे हैं, मुझे याद हो गया, आप भी को कर सकते हो, आप याद हो जाएगा, आपको बहुत समय बच जाएगा, आपको कोई समय प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे भाई मैंने आपको एक एक चीज को ना बहुत अच्छे से क्लियर किया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका कोई ज़्यादा समय नहीं लिया, मैंने केवल 10 से 11 मिनट लिए और इसमें पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आप बाहू को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो में जाएं, आपकी चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड कर दी गई है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाइए और इसको कम्प्लीट कर लीजिए, और ये हमारा पूरा सब कम्प्लीट हो गया। आई होप कि सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरे भाई दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।